अस्सलाम वालेकुम। अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी की तरफ से आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज हम इन प्यारी प्यारी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो कई सदियों तक पाकिस्तान, मरकज़ी एशिया और मशरक़ वस्ता में सुनाई जाती रही हैं। एक या दो इनमें से तो आपने भी सुन रखी होंगी, और अगर आपने नहीं तो यकीनन आपके घर में किसी ने ज़रूर सुनी होंगी। इन कहानियों का मकसद सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होना नहीं है, बल्कि इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं। जिन ज़मानों में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तब स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने के ज़रिए ही तालीम दी जाती थी। बहुत सारी हुपू की कहानियाँ इदरीस शाह ने लिखी हैं या फिर से सुनाई हैं, और इनका ताल्लुक पगवान, अफ़ग़ानिस्तान से है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इन कहानियों को जमा करने और उनका तर्जमा करने में गुजार दी, ताकि कहानी सुनाने का ये रिवाज बच्चों और बड़ों के लिए हमेशा इसी तरह चलता रहे। इन किताबों का तर्जमा मुख्तलिफ ज़बानों में किया गया है। पाकिस्तान के लिए ये किताबें उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी और पश्तो में भी शाया की गई हैं। पाकिस्तान में इन किताबों को तकसीम करने का हक अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी के पास है। कोरोना वायरस की वजह से जो स्कूल बंद हो गए हैं और जिन मोहल्लों में अलिफ लैला की लाइब्रेरी वाला रिक्शा जाना बंद हो गया है, उन बच्चों के लिए हुपू बुक्स के साथ मिलकर अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी ने ये किताबें इन बच्चों में तकसीम की हैं। इन किताबों के बारे में हमने ये वीडियो बनाई है, जिससे माँ बाप और असातिज़ा के लिए आसानी होगी कि इन किताबों से वो सीखने के अमल को बेहतर कैसे बना सकते हैं और इन्हीं किताबों के ज़रिए वो और क्या क्या सरगर्मियाँ करवा सकते हैं। आइए चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि असबाक के ज़रिए हम इन कहानियों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम लेसन प्लान भी कहते हैं। लेसन प्लान के ये 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहला वार्म अप, जो 5 से 10 मिनट का होता है। ये जिस्मानी सरगर्मी को कहते हैं और ये आप बाहर किसी भी जगह पर करवा सकते हैं। दूसरा मेन एक्सरसाइज या मेन एक्टिविटी कहलाती है, जो कि 20 से 30 मिनट की होनी चाहिए। पहले दिन हमेशा कहानी का तारुफ़ करवाया जाता है, और सुनाने से पहले उनको कहानी का पहला सफ़ा यानी टाइटल दिखाएं और बताएं कि कहानी किस बारे में है। उनसे सवाल जवाब करें और पूछें, कहानी में आने वाले मुश्किल अल्फाज के बारे में बात करें, और जब कहानी सुना लें तो उनसे उनकी राय ज़रूर मालूम करें। अगर तो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं तो उन्हें कहें कि वो पहले कहानी को पढ़ें, पढ़ के एक दूसरे को सुनाएं। घर में हैं तो अपने बहन भाइयों को या अपने घर वालों को पढ़ के सुनाएं, और उसके बाद उनसे उसी कहानी के बारे में सवाल जवाब करें। छोटे बच्चे जो किताब नहीं पढ़ सकते, वो इसको किस तरह से देखेंगे? You tell me, what is this? Monkey. Wow, do you like the story? All are the animals? All the jungle is the elephant. There's an elephant as well? Elephant. What is the lion doing here? Oh.